एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं संदीप नेहरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईबीपीएस गाइड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे डे नंबर 27 में परसेंटेज। परसेंटेज के मैं आपको बेसिक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूं। आज हम मॉडरेट प्लस हार्ड लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आपको बिल्कुल ही इजी वे से इनको कवर करवाऊंगा जैसे ही वीडियो को एंड होता है। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ मिलेगी जो परसेंटेज के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे के सारे उसमें मिलेंगे आपको। वो आपको प्रैक्टिस करनी है और उस वीडियो से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट वीडियो या इसी वीडियो के सेशन के कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडरेट लेवल में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन मनीष स्कोर्ड 45% मार्क्स एंड फेल बाय 18 मार्क्स, इन द सेम एग्जामिनेशन राधिका स्कोर्ड 54% मार्क्स एंड गेट 27 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। यानी एक एग्जाम है जिसमें मनी है 45% मार्क्स स्कोर करता है तो वो 18 नंबर से फेल हो जाता है, यानी उसको अगर 18 नंबर और मिलते तो वो पास हो जाता। इसी एग्जाम में राधिका है जिसको 54% मार्क्स मिलते हैं और वो 27 नंबर से पास हो जाती है, यानी एक्स्ट्रा उसको 27 नंबर मिलते हैं यहाँ पे। अब उसी एग्जाम में मोहन भी है जो 75% मार्क्स है उसकी सिक्योर करता है और आपको बताना है इसको टोटल मार्क्स कितने मिले। यहाँ पे तो परसेंटेज थी मार्क्स की, यानी आपको मार्क्स बताने एग्जैक्टली। इसमें क्या गिवन था कि 45% मार्क्स स्कोर करता है यहाँ पे कौन, आपका मनी, तो कितने नंबर से फेल हो जाता है, 18 नंबर से। यानी उसको अगर 18 नंबर और मिलते तो पास हो जाता ना आपका, ठीक है, यानी 18 नंबर और मिलते तो पास हो जाता। अब इसी एग्जाम में राधिका भी है तो उसको 54% मार्क्स सिक्योर करती है और उसको कितने नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, 27, यानी उसको अगर 27 कम मिलते तो पास होती है आपकी, ठीक है। अब इनका डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 9% आ रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आप चेक करोगे तो कितना आ रहा है, 45, ठीक है, 45 आ रहा है। यानी कि आप इन दोनों का डिफरेंस चेक करना था, यानी अगर 27 ये हो जाएगा और 18 वो हो जाएगा, ठीक है, यानी 18 उसको ज्यादा मिलते तो वो पास हो जाता, 27 अगर इसको कम मिलते तो ये क्या हो जाती है, इक्वल होती इसके पासिंग मार्क्स। तो 18 प्लस 27 यानी 45, यानी 9% की जो वैल्यू है आपको यहाँ पे कितनी है, 45 की इक्वल है। एक की निकालोगे तो 45/9 और यहाँ पे मोहन को कितना सिक्योर किया है, 75, तो मल्टीप्लाई बाई 75, 9 से करोगे 9 × 5 = 45, यानी 75 की 5 से गुणा कर दीजिए, 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 35, 2 × 37, यानी जो मोहन है उसको 375 नंबर मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, ये इजी क्वेश्चन था। अब देखिए इसको जरूरी नहीं इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो कि 45% है किसका, अगर इसको 45% है, अगर इसको 18 नंबर और मिलते तो वो किसके इक्वल हो जाता, 54% - 27, ठीक है, ये दोनों वैल्यू इक्वल करके दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम आएगा, यानी इधर माइनस का 18 उधर आके प्लस का हो जाएगा ना, 18 + 27 = 54% - 45%, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में सेम आंसर आना, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का ऐड करोगे तो 45 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस है 9%, तो आगे आपको पता ही है क्या करना है। तो दोनों चीजों में सेम आंसर है, कोई अलग नहीं है, ठीक है, तरीका आप पे डिपेंड करता है, और मैं कहूंगा इस क्वेश्चन को आप ओरली भी सोल्व कर सकते थे। क्लियर है इतना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि राजाज मंथली सैलरी इज इक्वल टू 48% अनु मंथली सैलरी, ठीक है, राजा की जो मंथली सैलरी है वो अनु की सैलरी के 48% है, ठीक है, और अनु की जो मंथली सैलरी है वो 24,000 रुपए कम है भाग्यस मंथली सैलरी, यानी भाग्य की जो मंथली सैलरी है उसके कंपैरिजन में अनु की 24,000 कम है, और बल्कि भाग्य की जो मंथली सैलरी दे रखी है वो 48,000 रुपए, और आपको राजा की एनुअल सैलरी पूछ रखी है, राजा की एनुअल सैलरी पूछ रखी है, ये ध्यान रखना। तो हमें पता है जो भाग्य की एनुअल सैलरी मंथली सैलरी वो कितनी है, 48,000, और इसने क्या कहा था कि अनु की जो मंथली सैलरी होगी भाग्य की मंथली सैलरी से 24,000 रुपए कम होगी, यानी 48,000 में से अगर हम 24,000 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24, यानी अनु की सैलरी हमारे पास मंथली सैलरी हमें पता लग गई कितनी है, 24,000। कैसे पता लगा, भाग्य की जो मंथली सैलरी है वो कितनी है आपकी, 48,000, और इसने क्या कहा था कि अनु की जो मंथली सैलरी होगी भाग्य की मंथली सैलरी से 24,000 कम होगी, तो 48,000 में से हमने 24,000 माइनस किया तो पीछे कितना बचा, 24,000। हमें पता लग गया कि अनु की जो मंथली सैलरी है कितनी है, 24,000 है, और यहाँ पे इसने क्या कहा था कि राजा की जो मंथली सैलरी होगी वो 48% होगी अनु की, तो अगर मैं राजा की यहाँ पे मंथली सैलरी निकालू तो क्या करूंगा मैं, 24,000 का कितना प्रतिशत करूंगा, 48%, क्योंकि इसने क्या कहा था कि इसके 48% होगी, तो 48/100, 20 से 20 कैंसिल आउट कर दीजिए, अब गुना कीजिए, 10 एज इट इज पुट कर दीजिए, टेबल याद रखिए, 24/8 कितना होता है, 192, 192 यानी 2 इधर हो जाएगा, 19 कैरी हो जाएगा, 2400 के कितना होता है, 96 + 19 यानी 115, तो 115 ये आपकी आ गई राजा की मंथली सैलरी, एनुअल सैलरी नहीं, ये सिर्फ मंथली सैलरी आई है, 11,520 ये राजा की मंथली सैलरी, और आपसे पूछा क्या था, एनुअल,
यानी 11,520 को आपको क्या करना है, 12 से गुना करना है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं ना, इसलिए। तो जीरो एज इट इज रख दीजिए, 12 दुनी 24 कितना कैरी हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 12 पांच 60 प्लस 2 62 कितना कैरी हो जाएगा, 6, 12 एकम 12 प्लस 6 18 कितना कैरी हो जाएगा, 1, 12 एकम 12 प्लस 1 13, यानी 138,240 है वो यहाँ पे राजा की एनुअल सैलरी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चीजें समझ आई, सिंपल है ना, कुछ भी हार्ड नहीं है, चीजों को समझो, एक एक चीज को आप इजीली कर सकते हो। कंसेप्ट यही है कि बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, फ्रैक्शंस वैल्यू, इसके अलावा थोड़ी थोड़ी चीजें आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आने लगेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसमें क्या कह रहा है, आउट ऑफ टोटल मंथली सैलरी ऑफ महेश, ही स्पेंड 25% ऑफ मंथली सैलरी ऑन रेंट एंड 20% ऑन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, 40% ऑफ द रिमेनिंग मंथली सैलरी फॉर फूड एंड व्हाइल रिमेनिंग सैलरी इज सेव्ड व्हिच इज इक्वल टू ₹16,500, फाइंड द इज मंथली सैलरी। इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे इसको करने के दो तरीके हैं, एक है एक्स का मेथड यूज करके और एक है जिसको सिंपल कहते हैं ना, बिल्कुल ही बेसिक, वो मान लेते हैं यहाँ पे जो आपका, यहाँ पे कौन सा कौन पर्सन है, यहाँ पे जो आपका पर्सन है उसकी आपको मंथली सैलरी बतानी है, ठीक है, महेश है, मान लेते हैं उसकी मंथली सैलरी यहाँ पे ₹100 है, ठीक है, हमने माना कि उसकी मंथली सैलरी ₹100 है, इसने क्या कहा कि उसका 25% ये क्या करता है मंथली सैलरी का किसके ऊपर स्पेंड करता है, रेंट पे, 100 का 25% कितना होगा, 25% ये किस पे करता है, रेंट के ऊपर, यानी 25% रेंट पे, एंड 20% ऑन ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस, यानी इसका 20%, 100 का 20% यानी 20 हो जाएगा, ये किसके ऊपर करता है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस पे, यानी TE रख दूंगा, यानी ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस, ठीक है, क्लियर है, एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग, यानी अब बची हुई सैलरी के 40% वो फूड पे खर्च करता है। तो याद, ये इतनी तो आपने कर लिया कि 25% रेंट पे और 20% ट्रैवल एक्सपेंसिस पे, यानी 45% टोटल की इसने खर्च कर दी, तो पीछे कितने बचे इसके पास, 55%, यानी अभी इसके पास 55 है, वो रिमेनिंग बची हुई है, ठीक है। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसने कहा था कि रिमेनिंग का 40%, क्योंकि रिमेनिंग है 40% ऑफ द रिमेनिंग सेल, यानी बचे हुए का 40% ये फूड पे खर्च करता है, यानी 55 का 40%, तो 55 का 40% आप निकाल सकते हो ओरली, यानी 2/5, देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 11 दुनी 22, यानी 22 है वो किसके ऊपर खर्च करता है, ये फूड के ऊपर खर्च करता है, ठीक है। चलिए अब इसने क्या कहा, एंड वाहिल द रिमेनिंग सैलरी इज सेव्ड विच इज इक्वल टू ₹16,500, और जो बची हुई सैलरी है वो सेव कर लेता है, तो 55 में से इसने 22 फूड पे खर्च कर दिया, तो पीछे कितना बचा, 33, यानी ₹33 है, 33 वो सेव कर लेता है, और जिसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे, 16,500, यानी जो 33 की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 16,500 दे रखी है 33 की, और आपसे क्या पूछा था, टोटल मंथली सैलरी तो मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमने क्या माना था, 100 मानी थी ना, तो गुना हमने 100 से कर दिया। अब कैंसिल आउट करोगे 33 से कम 33, 33 5 165, 20 एज इट इज, यानी ₹50,000 इसकी मंथली सैलरी आ जाएगी। क्लियर है, अब आपका होगा कि आपको डिवाइड कैसे पता लगा, देखिए 3 5 15 होते हैं, 3 5 15 यानी एक कैरी हो जाएगा, तो यहां से आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, कि आप इस तरीके से करते हो ना आपको समझ आने लगेगा, एक तो सिंपल हो जाता है यानी आपको कंफ्यूज नहीं होता, एक्स वाई का चक्कर नहीं करना पड़ता, दूसरा अगर एग्जामिनर आपसे यहाँ पे दे दिया कि इसकी सेविंग इतनी है, अगर आपसे पूछ लेता क्या इसने ट्रैवल एक्सपेंसेस पे कितने खर्च किया, तो आप निकाल सकते थे, गुना 20 कर सकते थे, यानी अगर आपसे इसमें कोई भी वैल्यू पूछता, चाहे रेंट पूछता, चाहे फूड पूछता, चाहे रिमेनिंग अमाउंट पूछता, कुछ भी पूछता, तो आप सारी की सारी वैल्यूज है इजिली फाइंड आउट कर सकते थे। तो इस मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस करेंगे और इससे आपकी इजी हो जाता है, यानी कि ज्यादा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है, इतना बताइए अगर इतना समझ आया कि नहीं आपको। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है, इन ए क्लास 125 स्टूडेंट, इफ द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स आर इन ए क्लास इज 3:2, इफ 24% ऑफ द बॉयज एंड 20% ऑफ द गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन डांस, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु आर ऑल नॉट इंटरेस्टेड इन डांस। यानी एक क्लास है उसमें 125 बच्चे हैं, जिसमें एक बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 3:2। अब इसमें कहा कि 24% है टोटल बॉयज के, 24% है वो डांस में इंटरेस्टेड है, और 20% है वो गर्ल्स है वो डांस में इंटरेस्टेड है, तो आपको परसेंटेज बतानी है टोटल स्टूडेंट की जो इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी पर्टिकुलर डांस में या किसी भी चीज में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास टोटल स्टूडेंट यानी TS मेंशन कर देते हैं कितने हैं, 125 है, और इसने क्या कहा कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है इसके आपके पास कितना है, 3:2, यानी 3:2 में इसको डिवाइड करना है, यानी 3 + 2 = 5, यानी 125 है जो कितने पॉइंट की वैल्यू है, 5 पॉइंट की, एक की निकालोगे 125/5, यानी एक पॉइंट की वैल्यू 25 आ जाएगी, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 25 दिया 75, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 25 दुनी 50, हमारे पास बॉयज और गर्ल्स आ गए,
इसने कहा कि 24% बॉयज है वो इंटरेस्टेड है, यानी 24% बॉयज अगर इंटरेस्टेड हैं तो इंटरेस्टेड कितने बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, यानी नॉट इंटरेस्टेड है डांस में बॉयज में से, यानी 76%। अगर 24% बॉयज हैं इंटरेस्टेड हैं डांस में तो पीछे कितने बचेंगे, 76% जो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो 75 का 76% निकाल लो, यानी 76/100 × 75, ठीक है। तो 25 + 75 = 100, 4 से कैंसिल आउट करोगे, 4 × 4 = 36, 19 × 57, यानी 57 बॉयज हैं इंटरेस्टेड नहीं है आपके डांस में। तो अब गर्ल्स का क्या कहा था, इसने 20% गर्ल्स हैं वो इंटरेस्टेड है, अगर 20% गर्ल्स हैं वो इंटरेस्टेड है तो कितनी प्रतिशत गर्ल्स इंटरेस्टेड नहीं होंगी, यानी 80%। तो इसका 80% निकाल लीजिए, यानी 50 का आपको क्या निकालना है, 80%, यानी 4/5 भी कर सकते थे आप, 20 × 80 = 20, 5 × 100, 5 से कैंसिल आउट करोगे, 5 × 50, यानी 40 गर्ल्स हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी डांस में। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 57 लड़के हैं, 40 लड़कियां हैं जिनको किसी भी डांस में इंटरेस्टेड नहीं, यानी कि 97 बच्चे ऐसे हैं जिनको डांस में इंटरेस्ट नहीं है। आपसे परसेंटेज पूछा था ना, तो 97 बच्चे हैं कितने में से हैं, 125 में से, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई क्या करोगे आप, 100। तो यहाँ पे 25 × 100 = 25, 5 × 125। अब आपको देखिए 97 की 4 से गुना कर दीजिए, 97 की 4 से आप गुना कर सकते हो ना, देखिए 4 × 7 = 28, कितना कैरी हो जाएगा, 2 कैरी, 4 × 36 = 2 = 38, यानी 388/5। अब 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 × 7 = 35, कितना बचेगा, 3, यानी 38 हो जाएगा, फिर 5 × 7 = 35, ठीक है, फिर पॉइंट लगा देंगे आपका। अब किससे जाएगा आपका, 6 से चला जाएगा ना, 3 बचा था, यानी 5 × 6 = 30, यानी 77.6% है जो बच्चे हैं इंटरेस्टेड नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो यहां से आपका इजीली हो गया ना, कोई भी आपका एक्स वाई का चक्कर नहीं हुआ, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं हुई, सिंपल से आपका एक्सप्लेन किया है। अब बताइए अगर कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये क्वेश्चन सारे के सारे सिंपल है, इजी है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कह रहा है, इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50% ऑफ टोटल कैंडिडेट फेल्ड इन करंट अफेयर्स, 40% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन एप्टीट्यूड एंड 10% इन बोथ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु आर पास्ड इन बोथ द सेक्शंस। यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू थोड़े से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, समझना आपने आप। यहाँ पे देखिए क्या कहा था, करंट अफेयर के कितने प्रतिशत बच्चे हैं वो फेल हैं, 40% फेल है ना, सॉरी 50 ही है आपके, ठीक है, 50% ऑफ टोटल कैंडिडेट फेल्ड इन करंट अफेयर एंड 40% है वो एप्टीट्यूड में फेल है, 40% किस में फेल है, एप्टीट्यूड में फेल है, और 10% है जो दोनों में फेल है, तो दोनों वाला कौन सा आ जाएगा, ये आएगा 10%, यानी बोथ में फेल है, ठीक है ना, क्लियर है। यानी कि देखिए करंट अफेयर के टोटल 50% बच्चे फेल है, एप्टीट्यूड के टोटल कितने हैं, 40% बच्चे फेल हैं, आपको बताने हैं कि दोनों सब्जेक्ट्स में पास कितने बच्चे हैं। अब देखिए जो यहाँ पे करंट अफेयर वाले इसने क्या कहा था, टोटल है 50%, तो कुछ यहाँ पे भी तो मिक्सडअप है ना, ये वाले पार्ट में भी तो मिक्सडअप है, करंट अफेयर एप्टीट्यूड दोनों के, यानी 50 + 40 कितना होता है, 90%, ठीक है, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 10%, ठीक है, माइनस करूंगा 10% = 80% हो जाएगा, यानी 80% बच्चे हैं जो आपके फेल हैं, तो पीछे कितने बचे हुए, 20%, तो 20% क्या हो जाएंगे, जो दोनों सब्जेक्ट में पास है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप पूछोगे मैंने माइनस क्यों किया, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसने क्या कहा था कि करंट अफेयर है उसके 50% फेल है, यानी करंट अफेयर के तो ऐसे भी बच्चे हैं ना दोनों सब्जेक्ट में फेल है, तो अगर दोनों सब्जेक्ट में फेल है तो सीधी सी बात है करंट अफेयर में भी फेल होंगे, तो यानी यहाँ पे जो 50% + 40 कर देंगे, यानी हमें पता है 50% है करंट अफेयर में फेल है, 40% है जो आपके एप्टीट्यूड में फेल है, 50 + 40 यानी 90% में से हम 10% माइनस करेंगे क्योंकि इसमें वो बच्चे भी हैं जो दोनों के दोनों में फेल हैं, तो यानी मैंने माइनस किया 10 इसीलिए, ठीक है, यानी 80% ऐसे बच्चे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है, चाहे करंट अफेयर अकेले में हो, चाहे एप्टीट्यूड अकेले में हो, या फिर दोनों में हो, या फिर बचे हुए बच्चे कितने हो जाएंगे, यानी पासिंग वाले बच्चे मिल जाएंगे आपको, यानी 80%, यानी 20% हो जाएगा, 80% आपके फेल है, क्लियर है, इतना समझ आया कि नहीं। ये वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, इजी था, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है, वेन डायग्राम वाले इजी होते हैं, बस आपको चीज समझना है कि जो बोथ वाले होते हैं ना उसको माइनस करना है, बस इतना ही आपको समझना है। तो चलिए अब हार्ड क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, हार्ड तो देखिए कुछ होता नहीं है, बट थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, चीजों को समझना वन बाय वन। अब इसने क्या कहा कि वसु गिव 40% ऑफ द अमाउंट ही हैड टू जेगा, जेगा 35/5 ऑफ द व्हाट ही रिसीव्ड फ्रॉम वसु टू सरथा आफ्टर पेइंग रुपीज 200 टू द टैक्सी ड्राइवर आउट ऑफ द अमाउंट ही गेट्स फ्रॉम जेगा सरथा is now left with rupees 1000, how much amount did Vasu have? ठीक है, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, जो वसु है उसको 40% है अमाउंट है वो मिलता है, ठीक है, यानी 40% जो उसके अमाउंट है वसु के पास वो उसको जेगा को दे देती है, यानी मान लीजिए अगर वसु के पास 100 रुपए है, ठीक है,
मैंने मान लिया वसु के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं, उसका 40% किसको दे देती है, जेगा को दे देती है, यानी कितनी अमाउंट दे देती है, इसका 100 का 40% यानी 40 रुपए किसको दे देती है, जेगा को दे देती है। अब इसने क्या कहा कि जेगा गिव 3/5 ऑफ द व्हाट ही रिसीव्ड फ्रॉम वसु, यानी कि जेगा है वो जितनी अमाउंट आपकी वसु से लेती है उसका 3/5 है वो श्रद्धा को दे देती है, यानी इसका 3/5। तो इसका 3/5 निकाल सकते हो आप, 40 का 3/5 क्या होता है, 40 × 3/5, तो 5 × 5 = 40, यानी 24, यानी 24 रुपए किसको दे देती है, ये श्रद्धा को दे देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेंशन कर देते हैं। चलिए, अब इसने क्या कहा कि आफ्टर पेइंग 200 टू टैक्सी ड्राइवर ही हैड द अमाउंट लेफ्ट ₹1000, यानी जो आपकी श्रद्धा है 200 रुपए टैक्सी को देने वाले के बाद उसके पास 1000 रुपए बच जाते हैं, यानी उसके पास टोटल कितने रुपए थे, 1200 रुपए थे ना, जिसमें से उसने 200 दे दिए टैक्सी वाले को, तो पीछे कितने बचे 1000, यानी इस 24 पॉइंट की वैल्यू हमें पता लगी कितनी है, 1200 रुपए के इक्वल है। एक की निकालोगे तो 1200/24, हमसे क्या पूछा था कि वसु के पास कितनी अमाउंट है, तो वसु की हमने कितना माना था 100, तो इज इक्वल टू, अब देखिए कैलकुलेट कीजिए, 12 × 12 = 20, 12 × 24, यहां से 2 से कैंसिल आउट करोगे 50, यानी इसके पास कितनी अमाउंट हो जाएगी, टोटल 5000 रुपए थे वसु के पास, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चीजें आपको बिल्कुल ही इजी वे से मैंने कवर करवाई है, अगर फिर भी कोई समझ नहीं आ रहा हो तो वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना, एक एक चीज इजी वाले मेथड से बताइए, एक्स वाले मेथड से आपको करवाएंगे नहीं, बताएंगे जरूर कि इस मेथड में आपका एक्स अप्लाई होता है तो उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस क्वेश्चन में आपके दो मेथड लगेंगे, एक एक्स वाला भी बताऊंगा, एक सिंपल जो आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके कर सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैलरी ऑफ आदि इज इंक्रीज्ड बाय ₹5300 एंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज डिक्रीज बाय 4% फ्रॉम 14%, द इफेक्ट इज सच दैट ही इज नाउ पेइंग द सेम इनकम टैक्स एज बिफोर, इफ इन बोथ द केसेस द वैल्यू एडेड टैक्स रिडक्शन इज फिक्स्ड एट 25% ऑफ द टोटल इनकम, फाइंड द इंक्रीज सैलरी। यहाँ पे आदि के पास जो पहले कुछ इनकम होती है, ठीक है, उसमें से उसको इंक्रीज कर दी जाती है, यानी पहले जो अमाउंट थी उसमें, यानी उसकी सैलरी इंक्रीज कर दी जाती है कितने रुपए, 5300, और जो पहले इनकम टैक्स देता था कितना देता, 14%, वो घटा के अब 4% घटा दिया जाता है, यानी कि 10% कर दिया जाता है। ठीक है, और इन दोनों कंडीशन में पहले जितना टैक्स पे करता था 14% पे, वही टैक्स वही अमाउंट अभी पे करता है 10% पे, और यहाँ पे देखिए जो ये वाली वैल्यू दे रखी है ना 25%, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है कि वैल्यू एडेड टैक्स है ना वो फिक्स है 25%, ठीक है, सिर्फ घुमाने के लिए दे रखा और कुछ भी नहीं है इसका यूज। अब इंक्रीज सैलरी, ठीक है, इंक्रीज सैलरी बतानी कि इंक्रीज होने के बाद उसकी सैलरी कितनी थी। एक है आपका एक्स वाला मेथड, मान लेते हैं उसके पास स्टार्टिंग में एक्स थी, वो उसकी सैलरी थी, ठीक है, एक्स उसके पास स्टार्टिंग में सैलरी थी, तब वो कितना टैक्स पे करता था, 14% टैक्स पे करता था, यानी इसका 14/100, यानी टोटल सैलरी का 14 पे करता था, वही अमाउंट अब इक्वल है, दोनों की टैक्स के अमाउंट क्या कहा था, सेम इनकम टैक्स एज बिफोर, यानी पहले जो टैक्स था वही अब है, अब x+5300, यानी कि उसने कितना सैलरी इंक्रीज हुई 5300, अब कितना टैक्स पे कर रहा है, 4% कम हो गया, यानी गुना 14 में से 4 गए तो कितने बचते हैं 10, यानी 10/100, ठीक है, अब 100 से 100 काट दो एक दूसरे से, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14x इज इक्वल टू, ये इससे गुना करोगे तो कितना बनेगा, 10x प्लस 5300 के आगे एक जीरो एज इट इज ऐड कर दीजिए, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा ना, बस ये यहाँ पे इसको माइनस में करोगे, 14x में से 10x गए तो कितना बचते हैं 4x, 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 53000, क्लियर है, x की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 53000 डिवाइडेड बाई 4, 4 से इसको डिवाइड करो, ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 × 4 फिर कितना बचेगा, 4 × 3 = 12, ठीक है, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, ठीक है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी 13250, 13250 हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, यानी पहले इनिशियल जो उसके पास सैलरी थी वो आ गई 13250। इसने क्या पूछा था, फाइंड द इंक्रीज सैलरी, यानी इंक्रीज होने के बाद, तो इसने कितना इंक्रीज किया था, 5300 रुपए इंक्रीज किया था, यानी इसमें से आप 5300 रुपए ऐड कर दीजिए, तो 0 5 3 2 5 5 3 8, यानी 18,550 है वो आपकी न्यू सैलरी आ जाएगी, इंक्रीज सैलरी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इससे भी कर सकते हो सेकंड मेथड, थोड़ा सा समझना उस चीज को, मान लेते हैं पहले उसके पास एक्स अमाउंट थी तो उसके ऊपर कितना परसेंट का टैक्स पे करता था, 14% का, अब उसके पास अमाउंट इंक्रीज हुई, ठीक है, यानी एक्स प्लस 5300 हुई, यानी एट द एंड में बात करूं तो कितने रुपए इंक्रीज हुए, 5300 रुपए इंक्रीज हुए, और टैक्स है वो अब कितना पे कर रहा है, 10%, यानी इसके ऊपर तो पहले तो टैक्स दे ही रहा था ना, प्रीवियस जो आपकी सैलरी थी उसके ऊपर तो टैक्स दे रहा था ये, और अब 5300 एक्स्ट्रा ऐड हुए उसके ऊपर भी उसको टैक्स देना था, लेकिन टैक्स कितना कम हो गया, 4%, 10% था, कितना प्रतिशत कम हुआ, 4% कम हुआ, यानी जो ये आपकी 5300 वैल्यू है वो 10% के निकालिए, 5300 का अगर 10% ये टैक्स देगा तो कितने रुपए देगा, सीधी सी बात है 530 रुपए टैक्स देगा,
है ना, 5300 रुपए एक्स्ट्रा उसको सैलरी मिल रही है, उसका 10% यानी एक्स्ट्रा 10% का टैक्स तो भी देना पड़ेगा उसको। जो सैलरी इंक्रीज हुई है 5300, उसका 10% टैक्स कितना हो जाएगा, 530, यानी इस 4% की वैल्यू आपकी 530 आई है। और आपको क्या निकालना है, 100% की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, 4 से कैंसिल आउट करोगे इसको, देखिए 4 से ये चला जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, यानी 530 की आपको क्या करना है, 25 से गुना करनी है, 25 से गुना करोगे तो 0, 25 × 3 = 75, कितना कैरी हो जाएगा, 7, 25 × 5 = 125 + 7 यानी 132, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 13,250 उसकी प्रीवियस सैलरी आ जाएगी, और इंक्रीज होने के बाद यानी 5300 इसमें क्या कर दोगे आप, ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद 0, 5, 5 × 3 = 8, 13 + 5 = 18 यानी 18,850, तो दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम आना है, यानी दोनों मेथड्स में आपका आंसर सेम आना है। इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा कि चीजें क्या कुछ थी, और बाकी ये जो मेथड है फर्स्ट मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, बेसिक मेथड है, जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, इतना बताइए अगर इसमें कोई डाउट हो किसी भी प्रकार की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है आपको, जय कुमार गिव 20% ऑफ द मनी ही हैड टू हिज वाइफ, ही आल्सो गिव 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू ईच ऑफ हिज 3 डॉटर्स, हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट वाज स्पेंड ऑन वेरियस आइटम एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹6,000 वाज डिपॉजिट इन द बैंक, हाउ मच मनी डिड जय कुमार हैव इनिशियली। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मान लीजिए कि पहले जय कुमार के पास कितने रुपए थे, हम मान लेते हैं जय कुमार के पास पहले 100 रुपए थे, ठीक है, क्योंकि उससे आपका इजी रहेगा, मैंने आपको बताया था, मान लिया उसके पास 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए के 20% वो अपनी वाइफ को दे देता है, 100 का 20% सीधी सी बात है 20 होगा, वो अपनी वाइफ को दे देता है, ठीक है, यानी 20 रुपए वो अपनी वाइफ को दे देता है, और ही आल्सो गिव 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, यानी बची हुए के 10%, तो बचा हुआ कितना है, 100 में से 20 उसने अपने वाइफ को दे दिया, तो पीछे कितना बचा, 80, यानी ये कितनी है उसकी रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है, यहाँ पे आपका मेंशन कर देता हूँ, ये उसकी रिमेनिंग अमाउंट है, उसका क्या करता है कि हर एक 10% अपनी डॉटर को देता है, इन 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू ईच ऑफ हिज 3 डॉटर्स, यानी 10% हर एक एक डॉटर को देता है, यानी इसकी 3 डॉटर हैं, तो तीनों को 10-10% देगा, तो मान लेता हूं D1 डॉटर 1, D2 डॉटर 2, ठीक है, D3 डॉटर 3, ठीक है, हर एक को 10-10%, यानी इसको 8, 10% 80 का 10% 8 होता है, इसको 8, इसको 8, आप एक साथ भी लिख सकते थे, बट आपको समझाने के लिए मैंने तीनों अलग अलग लिख दिए, तो 8, 16, 8 = 24, यानी तीनों डॉटर्स को इसने कितने रुपए दिए, 24, तो पीछे कितने बचे हैं, अब देखिए, हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ ही लेफ्ट वाज स्पेंड ऑन द वेरियस आइटम, अगर इसने 24, 80 में से 24 अपने डॉटर्स को दे दिए, तो पीछे कितने बच गए, 56, यानी इसके कितने बच गए, 56, 56 इसके क्या हुआ, यहाँ पे बचे हुए हैं अपने डॉटर्स को देने के बाद, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। अब इसने क्या कहा था, हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट वाज स्पेंड ऑन वेरियस आइटम, यानी हाफ अमाउंट, हाफ यानी 56 का हाफ कितना होता है, 28, यानी 28 है वो किसी अलग अलग आइटम्स पे स्पेंड कर दिया, यानी आइटम के नाम से यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं कि अलग अलग आइटम्स पे इसने स्पेंड कर दिया, एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द ₹60,000 वाज डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी बचे हुए अमाउंट इसने क्या कर दी, बैंक में डिपॉजिट कर दी, जो कितनी है 6,000, पीछे कितना बचा, 56 में से 28 इन्वेस्ट कर दिया था, यानी 28, इस 28 पॉइंट की वैल्यू किसकी इक्वल दे रखी है आपको, 6,000 रुपए के इक्वल दे रखी है, 28 पॉइंट की वैल्यू अगर आपको 6,000 के इक्वल दे रखी है, तो आपको क्या निकालना है, सॉरी यहाँ पे 6,000 आएगा ना, तो 6,000 / 28, यानी 28 पॉइंट की वैल्यू है, हमें कितना माना था हमने सैलरी 100, तो इनिशियली जो सैलरी पूछी थी वो हमसे यही पूछी थी ना, अब इसको देखिए जो वैल्यू एक दूसरे से कट रही हो ना उसको दो काट, ठीक है, 2 से कटेगा या नहीं, 4 से कट जाएगा, आप कह देखिए 4 × 7 = 28, 15 × 6 = 60 होते हैं ना 0, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो 1500 के आगे 2 0 लगा दीजिए और इसको फिर आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे देखिए 7 × 2 = 14, फिर आपका 7 × 7 = 28, फिर 7 × 2 = 14, ठीक है, 7 × 8 = 56, और फिर 7 × 5 = 35, यानी कि आगे 7 × 7 = 49 आगे चलता रहेगा, बट एट द एंड मान सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो अमाउंट आई 21,428.5 आ जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस मेथड से आप बताइए कि आपको एक्स का चक्कर करना पड़ा, बिल्कुल नहीं, और मैं कह सकता हूं विद इन 1 मिनट से भी कम टाइम में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, 1 मिनट तो क्या, 30 सेकंड में आप इजीली सोल्व कर लोगे अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, एक एक चीज करनी पड़ती है आपको, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन का बेनिफिट क्या है, मैं ये मेथड आपको बार बार क्यों बताता हूं, अगर आपसे पूछ ले कि उसने अपनी वाइफ को कितना रुपए दिया तो आप कैसे निकाल पाओगे, यहाँ पे देखिए 28% की आपको वैल्यू थी, कितनी थी 6,000, तो गुना 20 कर देते तो उसकी वाइफ की अमाउंट आ जाती, अब कि ये पूछता कि अपनी डॉटर को, एक डॉटर को उसने कितने पैसे दिए, तो मल्टीप्लाई बाई 8 करके आप उसकी डॉटर के अमाउंट निकाल सकते थे, तो यानी वो भी ये पूछ सकता था कि जो आपकी अमाउंट आइटम्स पे कितना स्पेंड किया, तो वो तो आपको ऑलरेडी गिवन है 6,000, तो इस तरह से आप किसी भी जो डेटा है ना उसने गिवन है उसका कुछ भी आप बता सकते हो, इसीलिए मेथड बेस्ट है और इसको इंप्लीमेंट करने की पूरी पूरी आप कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है,
आप एक बार इसको रीड डाउन कर लो जल्दी से, क्या कह रहा है यहाँ पे, 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड, द सक्सेसफुल कैंडिडेट गोट 54% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड वन ए मेजोरिटी ऑफ रूपीज मेजोरिटी ऑफ 1620 वोट्स द नंबर ऑफ द वोटर्स इनरोल्ड ऑन द वोट लिस्ट वाज। यानी यहाँ पे आपके क्या कह रहा है कि कोई भी इलेक्शन होता है दो कैंडिडेट के बीच में, जिसमें से टोटल जितने वोट हैं उसके 10% लोगों ने तो वोट दिए ही नहीं, और जिन लोगों ने वोट दिए उसके 10% तो वोट इनवैलिड निकले, यानी जितने वोट लोगों ने डाले उसके 10% इनवैलिड थे, ठीक है। और जो जीता है कैंडिडेट उसको 54% वोट मिलते हैं, ठीक है। और वो कितने वोटरों से जीतता है, 1620 वोटों से जीतता है। तो आपको बताना है कि जो वोटर कितने इनरोल हुए थे वोटर लिस्ट में, यानी टोटल वोट्स कितने थे। मान लेते हैं टोटल वोट हमारे पास 100 थे, ठीक है। उसी तरीके से इसने क्या कहा कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी इसका 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी 10 लोगों ने तो वोट नहीं दिया, यानी नोट वोटिंग, एन वी कर देता हूं, ठीक है, नोट वोटिंग, और वोट दिया यानी वी कर देते हैं उसको, यानी 90 लोगों ने वोट दिया, क्योंकि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया यानी 10 और 100 का, और 90% लोगों ने वोट दिया यानी 90, ठीक है। जिन लोगों ने वोट दिया उसका 10% इनवैलिड था, ठीक है, यानी 90 का 10% क्या हो जाएगा आपका, नो, यानी ये इनवैलिड वोट है आपके, यानी नो वोट थे वो इनवैलिड थे। तो वैलिड वोट कितने आ जाएंगे, 90 में से नो गए तो यानी 81, यानी 81 वोट है वो वैलिड है, क्लियर है, इतना समझ आया। अब इसने क्या कहा कि जो वैलिड वोट थे उसके 54% एक कैंडिडेट को मिलते हैं, मान लेते हैं जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट जीतता है उसको 54% मिलते हैं, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, सीधी सी बात इसका 46%, ठीक है, तो 46% मिलते हैं, और वो कितने वोटों से जीत जाता है, 1620 वोटों से, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1620 वोट, तो इनके बीच की परसेंटेज का डिफरेंस कितना, 8% यानी 1620 वोट, यानी 8% की वैल्यू हमारे पास 1620 वोट हो गई। इससे क्या निकलेंगे, अगर आपसे पूछ लेता कि टोटल वैलिड वोट कितने थे तो आप निकाल सकते हो, यानी 8% की वैल्यू अगर आपके पास 1620 है, 8% की वैल्यू क्या है आपके पास 1620 है, तो 1620 कितने पॉइंट की वैल्यू 8 की, हमें कितने की निकालनी है 100 की, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा यहां पे, ठीक है। अब देखिए एक दूसरे से कट रहे हैं क्या कोई भी वैल्यू, चलिए इसको काटते हैं, 4 से चला जाएगा कि 4 दूनी 8, 4 चौक 16 0, 4 पंजु 20, 2 से कैंसिल आउट करो 50, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो 0 पंजु 25, 2 कैरी हो जाएगा 5 चौके 20, यानी 20,250 वोट आपके वैलिड वोट थे, ये नहीं टोटल वोट थे, ये थे आपके वैलिड वोट, क्योंकि यहाँ पे देखिए परसेंटेज की बात हुई ना, क्योंकि 81 वोट हुए थे टोटल वैलिड थे, उसके 54% एक को मिलते हैं, 46% दूसरे को मिलते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यानी 8%, यानी ये हमारे टोटल वैलिड वोट आए हैं, यानी जो ये वैल्यू है हमारे पास वो 81 की वैल्यू है, 20,250, यानी 20,250 आपकी किसकी वैल्यू है, 81 की। अगर आपसे टोटल वोट पूछता है तो कितने माने थे आपने, 100। अब इसको गुना कर दीजिए एक दूसरे से, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, 81 है, 81 से 2 से जाएगा, तो 2 कितना होता है, 81 दुनी होता है आपका 162, 162 के बाद इसके पास कितनी वैल्यू बच जाएगी, यहाँ पे 40 बच जाएगी, 405, तो 81 पांच जो होता है 405, 25 एक 0 रख दीजिए, यानी टोटल जो वोट होंगे यहाँ पे इलेक्शन में वो 25,000 वोट होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, क्लियर है। मैंने ये अलग क्यों बताया, यहाँ पे मैं आपकी इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करके भी कर सकता था, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता कि बताइए कि टोटल वैलिड वोट कितने थे, तो वैलिड वोट निकालते तो यानी आपका मल्टीप्लाई बाय 100, यानी वैलिड वोट आपने निकाल लिए थे 20,250, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एट द एंड परसेंटेज था, इसलिए मैंने इसको 8% का डिफरेंस लिया, अदरवाइज हम अगर डायरेक्टली हमें वोट निकालने होते ना तो हम क्या करते, 81 का हम क्या करते कि 8% निकालते, और जो वैल्यू आती 81 का 8% वो आपकी 1620 की इक्वल होती, फिर उसको हम 100 में मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो वैसे भी निकाल सकते थे, बट ये आपका इजी रहता और आपको ये भी दिक्कत नहीं होती कि अगर वैलिड वोट पूछ लेता और कोई डेटा पूछ लेता है तो आप इजिली कवर कर लोगे। चलिए ये है आपके लिए होमवर्क, सबसे इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। अब इसमें मैंने आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा दिया, टैक्स वाले करवा दिया, अभी इस वीडियो में था इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन से, वो भी मैंने आपको कवर करवा दिए हैं, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर से तो मैंने इतने आपको कवर करवा दिए थे पिछले वीडियो में करवाए थे, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग जो आपका डेटा चेंज होता है मंथली सैलरी पूछ लेता है ये भी मैंने आपको करवाया था, वेन डायग्राम बेस्ड आज भी करवाया था, कल भी एक क्वेश्चन इससे करवाया था, इसके अलावा इलेक्शन बेस्ड भी हो गया था, एग्जाम वाला हो गया था, देखा आपको स्टार्टिंग में करवाया था मॉडरेट में, फर्स्ट क्वेश्चन आपका वही था, ठीक है, यानी कि परसेंटेज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने सारे के सारे आपको कवर करवा दिए हैं। अब आपका काम क्या रहता है कि पहले तो वीडियो को करना आपको लाइक अगर आपको अच्छी लगी हो तो, सेकंड काम है नीचे डिस्क्रिप्शन में है पीडीएफ,
ठीक है, पीडीएफ है उसको डाउनलोड करो, 40-45 क्वेश्चंस मिनिमम मिलेंगे उसको प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको अगर आपका परसेंटेज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया हो तो आपको दिक्कत ना आए, हर एक चीज अच्छे से समझ आ जाए, क्लियर है। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है उन क्वेश्चंस को अभी सोल्व करो, वेट मत करना कि मैं थोड़ी देर में कर लूंगा, शाम को कर लूंगा, अभी सोल्व करो। सोल्व करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस कमेंट सेक्शन में जितनी भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है पूछो, ठीक है, ताकि वो आपकी सारी की सारी डाउट है मेरे को पता लगेगी वो परसेंटेज से है तो मैं आपको क्लियर कर पाऊं यहीं पे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, ताकि हम भी थोड़ा बहुत मोटिवेट हो जाते हैं अगर आपकी वीडियो के लाइक अच्छे आते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है उसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जितने भी आपके पास सोशल हैंडल है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने भी आप यूज करते हो, सभी के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। इसके अलावा जो सेकंड काम है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए कोई भी डाउट हो ना पूछते रहा करो, और डेली बेसिस पे www.ibpsguide.com पे विजिट कीजिए, वहां पे आपको क्वीज मिलती हैं, ठीक है, आपके अपकमिंग एग्जाम है ना जितने भी बैंकिंग के, स्पेशली बैंकिंग पे फोकस कर रखा है इसलिए द हिंदू एनालिसिस, करंट अफेयर, सारी चीजें बैंकिंग अवेयरनेस आपको अवेलेबल करवा रखे हैं, तो विजिट कीजिए, क्वीज लगाइए, मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप प्ले स्टोर से सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।